मनी रिलेटेड ड्रीम। रात में आदमी जब गहरी नींद में होता है तो उसे सपने दिखाई देते हैं। सपने में बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं, जिनका अलग अलग मतलब होता है। अगर आपको सपने में रुपया दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है? अगर आप सपने में सिक्के देखते हैं तो यह सपना अशुभ माना जाता है। इस सपना आपको गरीबी की तरफ इशारा करता है। इस सपना दरिद्रता आने का संकेत देता है। सपने में 10 रुपए के नोट को देखने का मतलब होता है कि जल्द ही आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाले हैं। बिना परिश्रम किए ही कहीं से धन मिलने का संकेत है। सपने में नोट देखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर सपने में किसी को यह दिखाई दे कि रास्ते में पड़े हुए पैसे मिले हैं, तो रास्ते में पैसे मिलने का मतलब होता है कि धन लक्ष्मी आपके साथ हैं। कहीं पर भी पड़े हुए पैसे मिलने पर आपको बेहद ही अपने संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसे आपको मिले हैं वे किसी और की मेहनत के हैं। इसलिए अचानक धन मिलना इस बात का संकेत देता है कि ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं। अगर आपको यह सपना दिखाई दे कि आप किसी को पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका धन खर्च होने वाला है। इसके अलावा इस बात का भी संकेत है कि आपका मिला हुआ धन खो सकता है और धन हानि भी हो सकती है। अगर सपने में कोई आपको करारे नोट दिखे तो क्या होता है? यह सपना आने वाले समय में धन लाभ होने की ओर इशारा करता है। यदि सपने में आपको कोई करारे नोट देता हुए दिखे तो यह आपकी आर्थिक स्थिति के जल्द ही मजबूत होने का शुभ संकेत है। यह आपकी आय बढ़ने या कहीं से अचानक पैसा मिलने का भी संकेत है। अगर आपको सपने में 50 रुपए का नोट दिखाई दे तो यह काफी शुभ माना जाता है और यह कहीं से धन प्राप्ति का संकेत है, जिसमें हो सकता है कोई भी व्यक्ति आपको पैसा दे। ये सपना एक अच्छा सपना माना जाता है। अगर सपने 500 रुपए का नोट दिखाई दे तो समझे कि यह एक दुर्लभ सपना है। यदि यह सपना नौकरी से संबंधित, व्यापार से संबंधित या रोजी रोजगार से संबंधित किसी व्यक्ति ने देखा है तो उसका मतलब है कि जल्द ही उनके भाग्य का उदय होने वाला है। यदि यह सपना किसी अस्वस्थ व्यक्ति ने देखा है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में जल्द ही उसे स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। कोई भी व्यक्ति सपने में 2000 का नोट देखने का मतलब है कि आने वाले समय में आपको धन लाभ होने वाला है। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और उसका धन का भंडार भर सकता है। सपने में किसी का पैसा चोरी करना बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। यह आपको अचानक से धन की हानि होने का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि आपके कई काम खराब हो सकते हैं और कई बने हुए काम बिगड़ सकते और उनमें रुकावटें भी आ सकती हैं।